देखा, कुछ एक एपिसोड्स भी देखे जो मुझे बहुत ही पसंद आया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। ये जो इनिंग आपने स्टार्ट की है, जरा इसके बारे में बताइए कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। काफ़ी गेस्ट आ रहे हैं अभी तक, तो दो मैंने देखा, काफ़ी इंटरटेनिंग है, फन है, बहुत ही आप लोगों की लेग पुलिंग करते हैं, इंजॉय करते हैं, तो बताइए कैसा रहा। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई थिंक बॉलीवुड बजेंगा इज समथिंग विच बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया ये शूट करते हुए। एंड आई थिंक राइट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट, जब ये पहली बारी शो मेरे पास आया था और मुझे बताया गया था कि एक फिल्म क्विज़, एक बॉलीवुड फिल्म क्विज़ हम फॉर्मेट बना रहे हैं, एंड उसके बाद जिस तरह से राउंड थे, तो बहुत एकदम से मैं जंप कर लिया था, क्योंकि मैं खुद एक फिल्मी बच्चा रहा हूँ। मतलब हार्ड कोर वो बचपन में डायलॉग्स बोलने शावर के नीचे खड़े होके या फिर कुछ भी करते हुए दूसरे बच्चे को, या फिर बर्थडे पार्टी में होता है ना कि वो एक नॉर्थ इंडिया में स्पेशली मैंने, मतलब हमारे साथ होता था कि बर्थडे पार्टी में सेंटर में बच्चे को खड़ा करके चलो बच्चे कुछ करके दिखाओ। तो ऐसे वो सारी चीज़ें हमने बहुत करी हुई है, तो मैं हार्डकोर फिल्मी बच्चा, बचपन मेरा बड़ा फिल्मी रहा है। तो जब ये मौका मिला मुझे, तो मुझे लगा ये बचपन को वापस लेके आने वाली बात है, तो ये ज़रूर करना चाहिए। एंड हमने 26 एपिसोड शूट करे, इसमें बहुत सी मस्ती करी है, 5 राउंड, अलग अलग गेम्स, लेग पुलिंग, हंसी मजाक, और ऑब्वियसली जिस तरह से आपने बताया कि गेस्ट भी हमारे शो पे जिस तरह से आते हैं उनके साथ मस्ती हम लोग करते थे। तो ओवरऑल बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत अच्छी जर्नी रही है। एंड अभी ये शो लॉन्च हुआ है एंड लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं दैट दे आर रियली लाइकिंग इट एंड दे आर रियली लविंग इट, एंड सो वी आर हैप्पी कि जितना मज़ा हमें ये शो बनाने में आया, उतना ही मज़ा लोगों को भी ये चीज़ देखने में आ रहा है। सो मज़ा आ रहा है। हमने आपकी फिल्में ढेर सारी देखी हैं, लोगों को पसंद आती हैं, जैसे आपने डिसाइड किया कि इस तरह कुछ करेंगे, सडनली आपको ऑफर आया, कर लेते हैं, अच्छा है। भाई चाह बहुत बड़ी चीज़ होती है, आई थिंक चाह बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो ऑब्वियसली आई वांटेड टू डू इट। मैंने इससे पहले अवार्ड शोज वगैरह होस्ट करे, बट एक फुल फ्लेज्ड क्विज शो का मैंने नहीं सोचा था, और ये मेरे लिए भी नया था। जब ये मेरे पास फॉर्मेट आया तो मैं एकदम से, तभी मैंने कहा कि मैं एकदम से आई जंप्ड ऑन टू इट, बिकॉज मुझे लगा यार तो बहुत मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्विज शो मैंने नहीं सोचा था कि मैं होस्ट करूँगा इतनी जल्दी और इतनी छोटी उम्र में, लेकिन ये फिल्म क्विज था तो हमने कहा कि ऑब्वियसली करना चाहिए, तो मेरे लिए भी नया था जब ये फॉर्मेट मेरे पास आया था। जब आप सवाल पूछते हैं क्विज शो में, कुछ एक सवालों का जवाब हो सकता है आपको भी नहीं पता, देन कैसे आप हैंडल करते हैं पूरा माहौल सामने गेस्ट के साथ में? तो कई इस बेसिकली जो प्रोसेस होता है, ऑब्वियसली जब हम सवाल पूछते हैं, मुझे भी जवाब पहले से नहीं पता होता है। क्वेश्चन के साथ में फिर से स्टार्ट करें। हाँ एक सेकंड, आप आ रहे हैं? ये मैडम ने वन ऑन वन भी किया, आप जनता भी करेंगी, हर जगह धमाका करने वाली है। ओके, तो सवाल ये था कि जब आप कोई भी कुछ क्वेश्चंस नहीं पता, आप थोड़ा स्टक होते हैं, आपने तो जिस तरह से ऑब्वियसली फॉर्मेट होता है कि जब हम सवाल पूछते हैं तो मेरे को भी जवाब नहीं पता होता, मतलब ऑब्वियसली मुझे इंटरनली अगर मेरा को नॉलेज है उस चीज़ का तो पता होगा, बट एकदम से मुझे नहीं पता होता। जब वो जवाब देते हैं तो उसके बाद ही मुझे भी पता चलता है कि कौन सा सही जवाब है और कौन सा गलत जवाब है। तो कई बार ऐसा सिचुएशन होती है जब आपने एक सवाल पूछा और आपको भी वो जवाब पता है, और आप अपने मन में, आप लेकिन बोल नहीं सकते, आप सिर्फ ऐसे खड़े होकर पूछ रहे हो और प्ले अराउंड कर रहे हो कुछ है, और कई बार होता है जब आपको नहीं पता होता। तो आई थिंक कंटेस्टेंट के साथ जब हम खेलते हैं, गेस्ट के साथ जब हम, मैं गेम खिला रहा होता हूँ, आई थिंक कहीं ना कहीं मैं खुद भी वो गेम खेल रहा होता हूँ एज अ होस्ट, क्योंकि तो उसी चीज़ का आई थिंक मज़ा होता है, बट मेरे को भी बाद में ही पता चलता है जो जो भी सही सवाल जवाब है या जो भी गलत है। और हमने देखा कि आप इसे होस्ट कर रहे हैं, इसके अलावा आपने तो अवार्ड शो भी होस्ट किया, इसके अलावा अगर मैं होस्ट का अगर पूछूं तो आपका फेवरेट होस्ट कौन है, अगर आप बता सकते हैं? मैम मेरे को अमिताभ बच्चन जी ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब वो आई थिंक वी ऑल ग्रोन अप वॉचिंग कौन बनेगा करोड़पति, आई थिंक वो हर घर की कहानी है, वो एक शो, एक पर्टिकुलरली क्विज शो जो हमने देखा है, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जिस तरह से वो पूरा शो होस्ट करते हैं। सो फॉर मी ही इज़ द आइडल। जी, क्योंकि अभी तो मैंने 2 एपिसोड ही देखा है एंड कुछ एक गेस्ट को ही देखा है, कोई ऐसा गेस्ट भी जिसे आपके इस शो में इंतज़ार है, आप चाहेंगे कि आप उसे उन्हें बुलाएं, आप चाहेंगे कि सर आप आइए थोड़ा सा हंसी मजाक मस्ती करते हैं?
अगर चाहूँगा आई थिंक, बट इस एपिसोड में जैसे अभी हमने एक नौरा और मैंने एक एपिसोड हमने किया था, वो बहुत मज़ेदार था एंड मेरे को बहुत मज़ा आया था उस पर्टिकुलर एपिसोड में. एंड इवन एक एपिसोड है विच इज़ इवन आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड इज़ मानुषी चिल्लर, जो कि मिस वर्ल्ड है, वो एक बार ही हमारे गेस्ट आए थे इसमें और उन्होंने हमारे साथ गेम्स खिलाई थी, मैंने और उन्होंने मिल के गेम्स खिलाई भी थी, हमने गेम्स भी खेली थी. तो दैट इज़ वन एपिसोड दैट आई एम ऑल्सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्योंकि जब हम वो शूट कर रहे थे तो वो बहुत ही मज़ेदार शूट था और बहुत मस्ती हुई है, बहुत हंसी मजाक हुआ है और बहुत ही अतरंगी चीज़ें हुई थी वाइल वी आर प्लेइंग गेम्स एंड ऑल दैट. तो बहुत मज़ेदार एपिसोड था जब हमने शूट किया था. सो इवन वन दैट इज़ वन एपिसोड इवन आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू. सवाल ये था कि किसी को आप बुलाना चाहेंगे? मेरा फेवरेट मतलब अगर आप कि मैं अगर किसी को बुलाना चाहता हूँ इस शो में, मैं अगर बुलाना चाहूँगा आई थिंक मैं बुलाना चाहूँगा तो आई थिंक मैं वरुण को बुलाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत मस्ती होगी. एंड आई होप नाउ व्हेन वी मेक द नेक्स्ट सीजन आई रियली होप दैट वी कॉल हिम, एंड बिकॉज ही लव्स फिल्म्स, ही इज़ गॉट द मोस्ट अमेजिंग नॉलेज ऑफ फिल्म्स. तो उसको बहुत नॉलेज है हर चीज़ की, फिल्म से रिलेटेड, सिनेमा से रिलेटेड, लोगों से रिलेटेड. एंड आई थिंक वो जब इस शो में अगर आएगा तो वो एकदम किल कर देगा और बहुत सी हाँ और बहुत ही फन और मस्ती का जो लेवल होगा वो एकदम ही अलग होगा. वो तो है. एंड इसके अलावा बहुत सारी फिल्में भी कर रहे हैं, तो बताइए आप प्लेयर एंड यहाँ पर ढेर सारी फिल्में, कैसे अपना शेड्यूल बिजी रखते हैं आप? मेरा भाई शेड्यूल बिजी है टच वुड आई थिंक, और यही चाहता था मैं बचपन से कि जब मैं बड़ा हूँ मेरा शेड्यूल बिजी हो. बट नहीं, और जोक्स अबाउट आई थिंक काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग साल है 2019 ये, इसके साथ अभी स्टार्ट हुआ है एमएक्स प्लेयर के साथ, बॉलीवुड बजिंगा के साथ, अभी अर्जुन पटियाला एक फिल्म जो हमने ख़त्म करी है वो रिलीज़ होगी, फिर उसके बाद छिछोरे एक फिल्म है जो नितेश तिवारी सर की फिल्म है, साजिद नाडेडवाला जी एंड फॉक्स स्टूडियोज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो फिल्म है, 30 अगस्त को वो आ रही है. फिर अभी हमने एक फिल्म ख़त्म करी है सोनाक्षी बादशाह, मैं अनु कपूर जी, वो हम सारे उस फिल्म में, उसका टाइटल अभी तक डिसाइडेड नहीं है, फिर वो आएगी. और अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रूह अफ़ज़ा, जो कि राजकुमार राव जानवी और मैं है उस फिल्म में, हॉरर कॉमेडी जॉनर है, जो कि दिनेश विजन और मृगदीप सिंह लांबा को प्रोड्यूस इकट्ठे कर रहे हैं और गौतम मेहरा ने लिखी है, हार्दिक उसे डायरेक्ट कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हो रही है लाइफ में एंड अब बस वेट है लोगों का को देख कि उनको दिखा सकें जल्द ही ये फिल्म, सारी चीज़ें रिलीज़ हो, उनको हम दिखाएं एंड आई होप लोगों को पसंद है और वो लोग एंटरटेन हो, हंसें, मुस्कुराएं, क्योंकि वही एम से हमने फिल्में बनाई. ये जो फिल्म का आपने जिक्र किया ये जानिए, उसमें आपका क्या कैरेक्टर है? मैं नहीं बता सकता अभी उस किरदार के, नहीं इट्स जॉनर है हॉरर, जॉनर हॉरर कॉमेडी है बट ऑब्वियसली हॉरर कॉमेडी जॉनर है, बट मैं किरदार के बारे में अभी नहीं बता सकता ज़्यादा और स्टोरी लाइन के बारे में नहीं बता सकता ज़्यादा, क्योंकि अभी शुरू नहीं हुई है, शुरू होने वाली है, अगर मैंने बता दिया तो ये मेरे लिए शुरू नहीं होगी. नहीं नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे. चलिए जाते आते स्ट्रीमिंग हो चुका है आपका बॉलीवुड बजिंगा, थोड़ा सा आपने बॉलीवुड बजिंगा इज नाउ स्ट्रीमिंग लाइव अपना लाइव ऑन एमएक्स प्लेयर. तो हर सैटरडे और संडे को एक एक नया एपिसोड 7 बजे ड्रॉप होता है एमएक्स प्लेयर पे, और आई थिंक ये सबके लिए, आई थिंक इट्स ऑल फॉर ऑल एज ग्रुप, 8 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बुजुर्ग भी ये शो इकट्ठे बैठ के देख सकते हैं, बिकॉज इसमें क्वेश्चन हैं, आंसर्स हैं, बहुत सा फन है, मस्ती है, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, गेम्स हैं जो हम लोग खेल रहे हैं. सो आपको बहुत मज़ा आएगा, सो ज़रूर देखिए कि एमएक्स प्लेयर को. और सब डिजिटल की सबसे अच्छी बात है कि आप कभी भी देख सकते हैं, और अगर बीच में आपको खाना है या फिर चाय बनाने जानी है तो सीधा पॉज का बटन दबा के आप अपने बीच के काम भी कर सकते हैं. तो बट आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ वेब एंड सो या डू वॉच बॉलीवुड बजिंगा ऑन एमएक्स प्लेयर. थैंक यू भाई, बढ़िया भाई लगे.